हेलो दोस्तों, एसके टाक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब भी बारिश होता है या आंधी तूफान आता है तो हमारे टीवी में नो सिग्नल क्यों आ जाता है। इसके बारे में मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा, इसे लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डीटीएच कैसे वर्क करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अर्थ से सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जाता है और फिर सैटेलाइट उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके अर्थ पर वापस भेज देता है और डीटीएच इस सिग्नल को रिसीव करके सेट टॉप बॉक्स में भेजता है। ये सेट टॉप बॉक्स रिसीवर सिग्नल को टीवी के लिए सुटेबल बना देता है, जिससे हम लोग अपना मनपसंद चैनल या प्रोग्राम देख पाते हैं। इस सिग्नल के कई बैंड होते हैं, लेकिन इंडिया में मेन दो ही बैंड है। पहला है सी बैंड और दूसरा है केयू बैंड। जो डीटीएच हम लोगों के घर पर लगा होता है वो केयू बैंड पर वर्क करता है और केयू बैंड की फ्रीक्वेंसी 11 गीगाहर्ट्ज और वेवलेंथ 25 एमएम के आसपास होता है। वहीं सी बैंड की फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज और वेवलेंथ 75 एमएम होता है। केयू बैंड का वेवलेंथ कम है, इसलिए यह बारिश या आंधी तूफान के समय सिग्नल बारिश की बूंदे और बादलों से टकरा कर कमजोर हो जाते हैं और हमें टीवी में ग्लिच या नो सिग्नल दिखता है। वहीं सी बैंड में ऐसा कुछ नहीं है, उसके सिग्नल बारिश या आंधी तूफान में भी रहते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डीटीएच वाले सी बैंड का यूज क्यों नहीं करते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सी बैंड का वेवलेंथ अधिक होने के कारण इसके लिए कंपनी वालों को बड़ा डिश देना होगा, जिसके लिए अधिक पैसे लगेंगे और ज़्यादा जगह लेगा, जिसके कारण डीटीएच की बिक्री कम हो जाएगी। इसलिए डीटीएच कंपनी वाले केयू बैंड का यूज करते हैं, जो कॉम्पैक्ट होता है और कम पैसे भी लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।